ये वो जगह है जहाँ पे मैं वीडियो शूट करने आई हूँ। ये वीरान सी जगह है, यहाँ कोई नहीं आता जाता है, ठीक है। केवल मैं बैठी हूँ। अगर रात होती तो कोई सोचता कि भूत बैठा है। सिर्फ यहाँ आने का रीज़न है, ये देखो सामने बिल्डिंग दिख रही है, ये फोर्थ माला है, आई थिंक फिफ्थ माला है। सिर्फ यहाँ पर शोर ना होने की वजह से, ताकि आपकी वीडियो क्लियर रहे, तो मैं यहाँ पर आई हूँ। एंड सेकेंड बात है कि मैंने जो 14 नंबर का क्वेश्चन था कल का, उसको मैंने अभी अपलोड किया था। आपने देखा कि वीडियो अपलोड हो गया, लेकिन 5-6 मिनट बाद वो डिलीट हो गया। डिलीट हो गया कुछ गलतियों से। उसे मैं वापस भी रिकवर नहीं कर सकती, क्योंकि उसके कुछ पार्ट्स डिलीट हो गए एडिट करते वक्त। और मैं निश्चिंत हो गई थी कि वीडियो अपलोड हो गया फाइनल पार्ट, तो आप लोग तब तक पढ़ोगे, फिर मैं इस सेकेंड मतलब दूसरा टेस्ट पेपर बना लूँगी। बट इसको कहते हैं ना कि जब आपका लक ख़राब हो तो ऊँट पर बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। वही मेरे साथ आज हो गया। कुत्ता नहीं काटा, बट ये है कि वीडियो डिलीट हो गई। और मैं सुबह यहाँ आई थी तो उतना गर्मी नहीं लगती है। अभी यहाँ पर क्या है कि है फिफ्थ माला, पर इतनी उमस है कि यहाँ कोई पंखा वगैरह भी नहीं है। और बस कुछ परिस्थितियाँ हैं जिन परिस्थितियों की वजह से मैं नहीं चाहती कि वीडियो ख़राब बने। अगर अच्छे से शूट हो रही तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। तो चलो कोई नहीं, ये चैलेंजेस ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हम बढ़ते हैं। ये जो आपका टेस्ट पेपर है, फुल टेस्ट है, और ये 15 नंबर है। अब वो जो 14 नंबर था वो तो ख़राब हो गया, तो वो तो अब नहीं मिल पाएगा। तो चलो अब इसी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का सही मिलान करें। ये राजवंश है और ये राजधानियाँ दी गई हैं। तो ये आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, तुलु राजवंश, परमार राजवंश, इस तरीके से, और ये आपके कोट दिए गए। तो हमें यहाँ पर फिलहाल सही ऑप्शन का मिलान करना कि कौन सा यहाँ पर सही है। सही की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी ऑप्शन यहाँ पर बता रहा है कि सही सुमेलित है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, 1595 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान बरार राज्य का मुगल साम्राज्य में विलय कर दिया गया था। सेकंड ऑप्शन ये है, थर्ड आपका ये है। कहने नीचे दिए गए कूट का सही उपयोग करके सही उत्तर चुनिए, ठीक है। यहाँ पर सही आंसर फिलहाल बताना है। तो टू का ए ऑप्शन यहाँ पर सही कह रहे हैं। सही का मतलब केवल सेकेंड आपका यहाँ पर सही बता रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर ये गलत बता रहे हैं। कह रहे 1595 ईस्वी में अकबर के शासनकाल के दौरान बरार राज का मुगल राजवंश में विलय कर दिया गया था। ये कह रहे थे यहाँ पर कि औरंगजेब, तो औरंगजेब आपका गलत हो जाएगा, अकबर राज मतलब हो जाएंगे। थर्ड है आपका 1687 ईस्वी में अकबर के शासनकाल के दौरान गोलकुंडा राज्य का मुगल साम्राज्य में विलय कर दिया गया था। तो 1687 ईस्वी में औरंगजेब, मतलब इसको इसके साथ में मिसमैच कर दिया गया, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ से ही होता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 3, ये सूची फर्स्ट दी गई है, सूची सेकंड दी गई है। ये आपके आरंभ वर्ष हैं और ये आप उनकी जो ईयर होते हैं, तो वो है ईसा पूर्व या ईस्वी, जो भी है। तो इनको देख लीजिए, ये नीचे कोट दिया गया है। कह रहे हैं कि यहाँ पर सही आंसर मिलान करें। तो कोट आपका ए ऑप्शन सही है, A1, B3, C2 एंड D4, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इसको देख लीजिए। ये रहा आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है, इसको देख लीजिए। एंड ये रहा आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन। वैसे ही मैं सुबह से ये सोच रही थी कि बहुत जल्दी है, अब 2 दिन बचे, 2 दिन में जितना हो सकता है, बट आज का फिर ना ख़राब हो गया। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। ये ऑप्शन फर्स्ट है, रूपर्ट सतलज नदी, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, एंड ये फोर्थ है। नीचे दिए गए कूट को उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए, ये यहाँ पर ये बता रहे हैं। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, तो ऑप्शन की बात करेंगे तो बी कह रहा है सही है, यानी कि केवल फर्स्ट एवं थर्ड, ठीक है, फर्स्ट एवं थर्ड सही है, सेकेंड आपका यहाँ पर गलत बता रहे हैं। सेकेंड इन्होंने कहा कि आलमगीरपुर भोगवा नदी गुजरात का अहमदाबाद जिला, तो अच्छे से पता कि आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है। आलमगीरपुर हिंडन नदी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला रहता है, तो वो ऑलरेडी आपको समझ में आ गया गलत है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का सही मिलान करें। ये राजवंश है और ये उसके संस्थापक है। तो ये नीचे दिए गए कोड को उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर की बात करें यहाँ पर, तो आपका ऑप्शन ए यहाँ सही है, A1, B3, C2 एंड D4, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। हम बढ़ते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 6 नंबर है कि निम्नलिखित का सही से मिलान करें। ये शहर हैं और ये इसके संस्थापक हैं। ये आप देख लो, मानिखेत, परिहासपुर, राजगृह, पाटलिपुत्र, है ना। तो ये कूट दिए गए हैं, कूट से हमें सही उत्तर निकालना है। 6 नंबर क्वेश्चन है, तो कूट के हिसाब से सही उत्तर जो आपका बता रहे हैं, वो आपका बता रहा है 6 का B, ठीक है। 6 का B ऑप्शन हमारे यहाँ इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर इंग्लिश ट्रांसलेशन भी देख लो क्वेश्चन का, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। ये 4 नंबर क्वेश्चन है, आज दोपहर में प्रैक्टिस कर लो, आज रात में प्रैक्टिस कर लो, है ना, कल आप प्रैक्टिस कर लो, फिर आपका एग्ज़ाम है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। अब फिर से क्वेश्चन आ गया गलत विकल्प। ये आपके ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन A, B, C एंड D। यहाँ पर जो भी गलत सुमेलित है वो बताना है। तो बी कह रहे हैं, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में स्कंद गुप्त को धर्म प्रचार बंधु कहा गया है। तो
तो कह रहे कि इलाहाबाद स्तंभ में अभिलेख में समुद्रगुप्त को धर्म प्रचार बंधु कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर स्कंदगुप्त नहीं होगा, समुद्रगुप्त जी हो जाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प को चुने। ठीक है, गलत विकल्प को चुनना है। ये ऑप्शन ए का है, ऑप्शन ए अशोक के बारे में दिया है, बी रुद्रदमन, सी विशाखदत्त एंड डी इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से जो भी ऑप्शन हमारा गलत है वो हमें बताना है। तो सी ऑप्शन कह रहे हैं कि गलत है। विशाखदत्त के नाटक मुद्रा राक्षस का नायक अग्निमित्र है और इस नाटक में अग्निमित्र को विदिशा का वायसराय बताया गया है। ये कह रहे हैं कि कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्र का नायक अग्निमित्र है और इस नाटक में अग्निमित्र को विदिशा का वायसराय बताया गया। तो इसमें विशाखदत्त का नाटक नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएंगे कालिदास का मालविकाग्निमित्र। ठीक है, जो कि काफ़ी फेमस अपने आप में नाटक है और इसके क्वेश्चन खूब आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से गलत विकल्प को चुनना है। ठीक है, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑप्शन ए आपका ये है, बी ये है, सी ये है एंड डी ये। तो बात करना है यहाँ पर, अगर बात करें कि गलत विकल्प, तो गलत विकल्प बी बता रहे हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक भारतीय शैली में सिक्के जारी करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। तो कह रहे हैं कि महमूद गजनवी भारतीय शैली में सिक्के जारी करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक आपका यहाँ पर ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में गलत विकल्प की बात करना है। यहाँ पर हमारे ये ऑप्शन दिए गए इस क्वेश्चन के और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा गलत विकल्प है। तो ऑप्शन सी कह रहे कि प्रतिहार वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान का राज तिलक दिल्ली के राय पिथौरा में हुआ था। तो कहने कि सी ऑप्शन आपका गलत है। चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान का राज तिलक दिल्ली के राय पिथौरा में हुआ था, इसलिए आपका ये सी ऑप्शन यहाँ पर गलत सुमेलित है। ये आप यहाँ से इंग्लिश ट्रांसलेशन के क्वेश्चन भी देख लो। ठीक है, ये आपका 8 नंबर हो जाएगा, आई थिंक 7 नंबर से नहीं देखा है, ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन हो गया, ये आपका 8 नंबर हो गया, ये आपका 9th नंबर हो गया एंड ये आपका 10th नंबर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। यहाँ पर गलत विकल्प बताना, ऑप्शन ए द्वितीय जैन परिषद 521 ईस्वी में वल्लभी में आयोजित की गई थी, ये बी है, ये सी है एंड डी है। यहाँ पर भी जो गलत विकल्प होगा उसको हमको बताना है। तो आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए ही बता रहे हैं कि गलत विकल्प है, द्वितीय जैन परिषद 512 ईस्वी में। ठीक है, ये जो 521 है ये नहीं होगा, यहाँ पर 512 हो जाएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कहना है कि 1529 ईस्वी में निम्नलिखित में कौन से युद्ध में बाबर ने अफगानों को हराया था। ये आपके 4 युद्ध दिए, ये यूपी पीसीएस की फेवरेट क्वेश्चन है। ये मैंने जब प्रैक्टिस के लिए एक बार दिया था ऐसे जानकारी के लिए, तो उसमें से आपका खानवा घाघरा ये युद्ध आए थे और ये आते ही रहते हैं, कभी मिलान करने के लिए, कभी कुछ करने के लिए, है ना, कभी आंसर बताने के लिए। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर इसका सही आंसर। ठीक है, यहाँ पर आप 11 नंबर यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका 12 नंबर है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। और ये यहाँ पर आपका कोड दिया गया है, तो हमें यहाँ पर सही विकल्प इस बार बताना है। फिलहाल आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन बता रहे हैं कि 1st, 2nd, 3rd और 4th यानी कि सभी सही सुमेलित हैं। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन 13 नंबर। हम बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी एंड डी। अब यहाँ पर गलत विकल्प का चयन करना है, तो गलत विकल्प की बात करें तो कह रहे हैं कि डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको डाउट हो तो एक दो बार ज़रूर देख लीजिएगा। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कर रहे हैं। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन के और हमें यहाँ पर गलत विकल्प की बात कर मतलब आंसर बताना है। देखो ये जरा 14 नंबर क्वेश्चन एक बार देख लो, ये शायद मिस्टेक से दूसरा कोई देख के लग गया है। यहाँ पर इन्होंने गलत विकल्प की बात की है, तो बी ऑप्शन कह रहे कि गलत है। 24 सितंबर 1932 को हुए पुणे समझौते में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ जवाहरलाल नेहरू दूसरे हस्ताक्षरकर्ता थे। तो ये कह रहे हैं कि पुणे पैक्ट समझौते पर 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हस्ताक्षर किए गए थे, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लेना। आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर 15 नंबर यानी 15 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी गलत विकल्प बताना है, तो गलत विकल्प ये कह रहे हैं कि सी ऑप्शन है। कह रहे जनगण मन तथा इंकलाब होना चाहिए, इकबाल का गाना सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा 15 अगस्त 1931 की आधी रात को सेंट्रल असेंबली में MS सुबुलक्ष्मी ने गाया था। तो सी ऑप्शन है कि जनगण मन तथा इकबाल का गाना सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा 15 अगस्त 1947 की आधी रात को
सेंट्रल असेंबली में एम एस सुब्बी लक्ष्मी ने गाया, तो ये 1931 जो है आपका ये गलत हो जाएगा, 1947 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को भी आप देख लो साथ में ही, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलहाल हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा 1829 में लंदन में की गई थी। सेकंड आपका ये है, थर्ड ये है। कह रहे नीचे दिए गए कोड को उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। अब यहाँ पर सही उत्तर बताना है तो ऑप्शन ए कह रहे हैं केवल सेकंड, ठीक है, केवल सेकंड आपका सही है, थर्ड एंड फर्स्ट गलत है। इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा 1905, ठीक है, 1829 नहीं, 1905 को पाँच को लंदन में की गई थी, ठीक है। थर्ड धर्मसभा की स्थापना वर्ष 1905 में, तो ये आपका इसीलिए गलत है क्योंकि इसकी जो डेट आप डेट है ये 1829 होनी चाहिए, इसलिए वाला आपका गलत है। आगे बढ़ेंगे, ये रहा हमारा 16 नंबर क्वेश्चन, इसको भी देख लीजिए जो भी फ्रेंड्स हैं। आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ओके, ये आपका ऑप्शन फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है एंड फोर्थ है, यानी ए बी सी डी हैं। तो अब यहाँ पर जो भी गलत है वो बताना है, तो ऑप्शन सी है या यहाँ पर आपका गलत। चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार दिया गया था। तो ये कह रहे हैं कि रॉलेक्ट एक्ट 1919 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार दिया गया था, इसलिए ये 1919 के तहत हो जाएगा, ना कि 1833 के। तो ये अपना क्वेश्चन देख लीजिए, हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ओके, ऑप्शन फर्स्ट ये कह रहे हैं बी सी एंड डी। तो दोस्तों हमें बताना है यहाँ पर गलत विकल्प, गलत विकल्प है आपका बी। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1946 को प्राप्त हुई थी। ये कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को, ठीक है, तो ये आपका 47 यहाँ पर हो जाएगा, 46 नहीं होगा, इसीलिए ये वाला ऑप्शन आपका गलत सुमेलित है। ये आप इधर क्वेश्चन देख लीजिए अपना। खैर तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। कह रहे नीचे दिए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर हमें सही उत्तर बताना है फिलहाल इस बार। तो 19 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनिए। आप यहाँ पर गलत बताना है, ऑप्शन फर्स्ट ए बी सी एंड डी। ये आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी ये जीएस फुल पेपर है, तो इसमें सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। गलत विकल्प आपका डी कह रहे हैं कि पटकाई हिल्स असम मणिपुर मेघालय मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों से संलग्न है। इनका कहना कि पटकाई हिल्स असम मणिपुर मेघालय मिजोरम और नागालैंड राज्यों से संलग्न है, तो यहाँ पर नागालैंड नहीं दिया, 1 2 3 4 5, यहाँ पर इन्होंने त्रिपुरा दिया है, नागालैंड नहीं दिया, जबकि त्रिपुरा नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन हमारा है गलत। तो ये रहा हमारा 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, एंड ये रहा 20। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहे हैं कि ये आपके निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फिर कह रहे हैं कि नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। अब हमें बताना है यहाँ पर सही उत्तर 21 का, तो सी ऑप्शन सही उत्तर, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड मतलब ये आपका और ये। 1935 के भारतीय परिषद अधिनियम के अनुसार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई थी। तो कह रहे हैं कि 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के अनुसार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी, 1935 नहीं होगा। आपको पता है ना 1909 हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, पॉलिटी में भी पढ़ते हैं। तो ये रहा फिलहाल हमारा 21 नंबर क्वेश्चन, अब हम बढ़ेंगे आगे। ये नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये कह रहे हैं कि ऑप्शन ए बी सी एंड डी सही विकल्प यहाँ पर फिलहाल चुनना है। ये आपका विक्टोरिया झील, तो ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें सही विकल्प की, तो ऑप्शन ए कह रहे हैं सतह क्षेत्र और जल आयतन दोनों के संदर्भ में लाडोगा झील यूरोप की सबसे बड़ी झील है। तीन चीज़ों को ध्यान रखना, सतह क्षेत्र और जल आयतन, मतलब कितनी मात्रा में उसमें जल आता है, ठीक है। बैकाल झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, एंड ये चीज़ें आप देख लो कि इसमें से क्यों गलत है क्यों सही नहीं है। सारी चीज़ें मैं बताऊँगी तो बहुत मतलब देर हो जाएगी, और ऑलरेडी एक वीडियो डिलीट ही हो चुका है, तो वैसे ही मैं थोड़ा परेशान हो गई हूँ, है ना। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट आपका ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। आंसर की बात करेंगे तो 23 नंबर में डी ऑप्शन सही है, विच मीन्स कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही है। कुछ लोगों के कमेंट आए थे, 4 से 5 लोगों के, कि आप कोशिश करिए, आप मेल करिए तो UPSC का पेपर स्थगित हो जाए। शायद बहुत सारे ज़िलों में फ्लड और ये बाढ़ वगैरह की समस्या चल रही है, तो सेंटर पर पहुँचने में प्रॉब्लम होगी,
तो एक सूरत में देखा जाए अगर फ्लड है बाढ़ है पहुंचने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही तब तो हो जाए स्थगित तो ठीक है मतलब आगे बढ़ जाए, बट अगर नहीं कुछ प्रॉब्लम झेल के अगर एग्ज़ाम होता है तो अभी तैयारी अच्छी है, तो अगर एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसकी अलग बात रहेगी, है ना। जब पेपर पोस्टपोन होता है ना तो बहुत मन बेकार हो जाता है और क्वेश्चन तैयारी करने में मतलब मन नहीं लगता, ऐसा मैंने PCS में अनुभव किया है। तो मैं यही मनाऊंगी कि भगवान करे आपके सेंटरों में पानी ना हो और आप अच्छे से पहुंच जाओ। कुछ बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो कोई बात नहीं, वो एक जर्नी का पार्ट हो जाएगा, लेकिन अच्छा हो मैं यही चाहती हूँ, है ना। ये रहा 23 नंबर क्वेश्चन, इसको भी देख लीजिए, हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने, ये आपका ऑप्शन है बी सी एंड डी। तो यहाँ पर सही विकल्प चुनना है, सही विकल्प की बात करें तो कह रहे हैं 24 नंबर में कि सी ऑप्शन आपका सही है, पश्चिमी घाट को केरल में अन्नामलाई एवं इलायची पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सही विकल्प की बात की करनी थी, सही विकल्प बताना था तो ये है। अब इनमें क्या प्रॉब्लम है तो इनको आप PDF से पढ़ लेना। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प बताना है, तो ऑप्शन ए आपका दिया है बी सी एंड डी। अब इनमें से जो भी गलत विकल्प सम्मिलित होगा वो बताना है। 25 में ए ऑप्शन कह रहे हैं कि गलत, भारत में कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा का कटान बिंदु झारखंड राज्य के सूरजपुर जिले में है। भारत में कर्क रेखा तथा भारतीय मानक रेखा का कटान बिंदु छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले में है, तो ये आपका झारखंड नहीं होगा, यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारा 25 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प बताना है, तो फ्रेंड्स देखते हैं ऑप्शन ए दिया है बी सी एंड डी। अब हमें यहाँ पर गलत विकल्प बताना है। बी ऑप्शन कह रहे कि भारत अफगानिस्तान के साथ 699 किलोमीटर लंबी रेखा सीमा साझा करता है, तो ये कह रहे हैं कि भारत अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लंबी रेखा साझा करता है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। इसको भी देख लीजिए, चूज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड, नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर सही उत्तर चुनना है, बताना है। सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन ए यानी कि केवल सेकंड आपका सही है, दक्कन ट्रेप की उत्पत्ति क्रिटेशियस युग के अंतिम चरण में हुई थी। बाकी आपकी क्यों गलत है तो उनको देख लेना आप PDF, ये भी आप देख लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुने, ऑप्शन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। अब बताना है कि यहाँ पर क्या ऑप्शन आपका गलत है, तो बी ऑप्शन कह रहे हैं कि काला हांडी आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र है। बात करें तो काला हांडी ओडिशा का एक प्रमुख बॉक्साइट क्षेत्र है, ये नॉर्मली है, सबको पता ही होगा जब आप पढ़ते हैं, तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा। ये रहा हमारा 28 नंबर क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। ये रहा 29 नंबर क्वेश्चन, कह रहे हैं निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चुनना है, ए बी सी एंड डी। अब इनमें से कौन सा गलत है ये बताना है क्वेश्चन में, तो सी ऑप्शन कह रहे कि गलत है, ये सी होना चाहिए, डी नहीं होना चाहिए। तेलंगाना की पोचमपाद परियोजना का निर्माण कावेरी नदी पर किया गया है, तो कह रहे हैं देखो बात करें अगर यहाँ पर तेलंगाना के बारे में, तो तेलंगाना की पोचमपाद नदी में श्री राम सागर परियोजना का निर्माण गोदावरी नदी पर किया गया। ठीक है, कावेरी नहीं होगा यहाँ पर, यह गोदावरी होना चाहिए, इसको आप PDF से देख लेना। ये रहा हमारा क्वेश्चन इंग्लिश ट्रांसलेशन। चलिए क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, यहाँ पर गलत बताना है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें, ये 30 नंबर है, छूट रहा था, ऑप्शन ए बी सी एंड डी। देखो सारे क्वेश्चन मिक्स हैं तो आप अच्छे से इनको पढ़ना। यहाँ पर सही विकल्प की बात करेंगे तो ऑप्शन ए कह रहे हैं कि केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। चलिए हाँ, अब हमें बात करनी है गलत विकल्प की, तो ये आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं फिलहाल, ए बी सी एंड डी। तो अब हमें इसमें बताना है कि कौन सा गलत सम्मिलित है। आंसर की बात करेंगे तो कह रहे हैं कि बी ऑप्शन आपका गलत सम्मिलित है, विच मीन्स कि विश्व की सबसे बड़ी अपवाद रोणी नील नदी की है, तो कह रहे हैं कि विश्व की सबसे बड़ी अपवाद रोणी अमेजन नदी की है। ठीक है, इसको भी देख लीजिए साथ में, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ये आपके फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ये आपके इस तरीके से ऑप्शन दिए गए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। बात करेंगे तो ऑप्शन ए आपका फर्स्ट एवं सेकेंड सही है, थर्ड आपका यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ आपका गलत है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, हम बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट करें कि निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने, ये आपके चार ऑप्शन दिए गए, फिर दिया गया कि नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए।
तो यहाँ पर भी फिर सही बताना, तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा कि फर्स्ट सेकेंड एवं थर्ड, ठीक है, फोर्थ आपका नहीं सही है। ये रहा क्वेश्चन, उसमें कूट नहीं सही दिया गया होगा इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घास के मैदानों में कौन से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। ये देखो इस तरीके से दिया, पूर्वी अफ्रीका, ये मतलब सवाना, कंपोस, लानोस, पंपास, ये बहुत देते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से देख लेना। तो कह रहे हैं कि नीचे दिए कूट को उपयोग करके सही उत्तर चुनना। आप 34 नंबर क्वेश्चन में हमें सही उत्तर बताना है, तो डी ऑप्शन है फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि चारों ही आपके सही है, ठीक है। चलो तो ये रहा हमारा क्वेश्चन 34 नंबर, इसको भी आप देखते चलो। नेक्स्ट इनका कहना है कि निम्नलिखित में से गर्म महासागरीय धाराओं का चयन करें। ये यहाँ पर धाराओं के नाम दिए गए हैं और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को भी बताना है। देखो सही उत्तर की बात करें 35 नंबर में, तो कह रहे हैं कि सी ऑप्शन सही है, विच मीन्स कि थर्ड एंड फोर्थ सही है। बाकी पीडीएफ में आपको बहुत सारी डिटेल में चीज़ें दी गई, तो उनको अच्छे से पढ़ लेना। ये रहा हमारा फिलहाल क्वेश्चन 35 नंबर, हम बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, ठीक है, ये गलत बताना है। यह आपका ए बी सी एंड डी, ये पॉलिटी से दिए गए हैं, तो इनको अच्छे से देखना। गलत विकल्प की बात करें तो सी कह रहे हैं 155 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में है, ना कि जिला न्यायाधीशों की, ठीक है। तो इसको भी आप देख लो, ये आपका रहा क्वेश्चन, ठीक है, 36 नंबर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं इस तरीके से, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, और ये आपके कूट दिए गए हैं। आंसर की बात करेंगे यहाँ पर तो सही विकल्प चुनना है 37 नंबर में, तो सी ऑप्शन कह रहे हैं कि सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट आपका गलत है। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं से संबंधित 29 विषय हैं, तो भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं से संबंधित 18 विषय हैं, ठीक है। ये हमारा 37 नंबर क्वेश्चन हो गया, तो इसको हमें मिलान करना था, ये हमने बता दिया। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों का चयन कीजिए, ठीक है, और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर की बात करें 38 नंबर, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, विच मीन्स कि फर्स्ट सेकेंड एवं फोर्थ। थ्री कह रहे हैं कि संपत्ति के अधिकार, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार है, तो संपत्ति का अधिकार आपको पता ही है कि अब हट गया है मौलिक अधिकार से, ठीक है। तो चलें आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारा 38 नंबर क्वेश्चन, इसको देख लीजिए, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित का सही मिलान करें। ये राज्य हैं, ये राज्यसभा में सीटों की संख्या है, तो ये इस तरीके से नीचे कूट दिए गए। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके भी UKPSC में भी आया हुआ, मैंने इसको देखा है, और PCS में तो आता ही है, और ये रिपीट भी करते हैं, मतलब एज इट इज़ नहीं करेंगे, कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, पर चीज़ें देते हैं, है ना। तो 39 नंबर का क्वेश्चन की बात करेंगे, तो सी ऑप्शन यहाँ पर कह रहे हैं कि A2, B1, C3 एंड D4। अब देख लो यहाँ पर मिलान कर लो, ये रहा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये आपका दिया गया नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1)(a) के तहत, तो कह रहे नीचे कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। फर्स्ट एंड सेकंड दो कथन दिए गए हैं, 41 नंबर क्वेश्चन है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर कह रहे कि फर्स्ट ऑप्शन केवल सही है। सेकंड कह रहे कि राष्ट्रपति के आदेश 2018 के 101वें संशोधन अधिनियम द्वारा एक वस्तु एवं सेवा कर परिषद की स्थापना की गई थी, तो आपको पता है कि ये कब किया गया था, राष्ट्रपति के आदेश 2016 में, ठीक है, 101वें संविधान संशोधन द्वारा एक वस्तु एवं सेवा कर परिषद की स्थापना की गई थी, है ना, 2016 हो जाएगा। ये जो 2018 दिया है ये आपका फिलहाल यहाँ पर गलत दिया, इसीलिए ये ऑप्शन आपका गलत है। तो ये आपका क्वेश्चन 41 नंबर, इसको देख लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 42 नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है, सेकेंड एंड थर्ड, ये आपका पॉलिटी से रिलेटेड है, कुछ चीज़ें दी गई हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ लो। फिक्र है नीचे दिए गए कूट को उपयोग करके सही उत्तर चुनिए, यहाँ पर सही उत्तर बताना है हमें 42 नंबर में, ठीक है। सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन ए केवल ए आपका सही है, सेकेंड एंड थर्ड सही है। 2002 के 84वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया था, तो 86वां संविधान संशोधन ये आया हुआ, इसको याद रखना, 86वें संविधान संशोधन से ऐसा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुने। कह रहे हैं ये ऑप्शन ए है, बी है, सी है एंड डी है। अब यहाँ पर गलत विकल्प बताना है 43 में, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्यों, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा ये कह रहे हैं, जबकि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976, पहली बात तो सन भी गलत है एंड ये भी गलत है, 1976 में, ठीक है, तो इसलिए आपका गलत सम्मिलित है। ये रहा हमारा क्वेश्चन 43, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
यह आपके ऑप्शन दिए गए हैं चार और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है, ठीक है। नेशनल पीपुल्स पार्टी ये भी आया हुआ है इसमें, बीजेपी का जो पहले नाम था जनशक्ति या जनसंघ ऐसे करके उसको भी उसमें ऐड किया था, तो ये क्वेश्चन आया हुआ आयोग के द्वारा पूछा गया है। आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन ए सही है, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। सेकेंड आपका गलत है एंड फोर्थ भी गलत है। यहाँ पर अगर बात करेंगे फर्स्ट एंड थर्ड सही है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 10 जून 1999 कह रहे हैं, तो ये 1 जनवरी 1998, ठीक है, ये 1 जनवरी 1998 हो जाएगा और ये 1 जनवरी हो जाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं यहाँ पर फोर्थ नंबर में, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 10 जून 1999 हो जाएगा, ये आपका 10 जून हो जाएगा, जनवरी नहीं 10 जून। तो देख लेना पीडीएफ से, आगे बढ़ते ये रहा हमारा क्वेश्चन, इसको भी आप देखते चलो। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट आपका कह रहे हैं AWS के बारे में, आई थिंक जहाँ तक है, या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग विधेयक, ठीक है, और ये सेकेंड ऑप्शन है, मतलब सेकेंड कथन है, एंड ये थर्ड फैक्ट बता रहे हैं जो भी। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए, क्योंकि मैं ये पूरा पढ़ती नहीं हूँ, इनको पढ़ने में टाइम लग जाता था तो उतना फिर आइडिया नहीं रहता है ना। 45 नंबर क्वेश्चन है और सही विकल्प बताने हैं, तो 45 नंबर में डी ऑप्शन ये कह रहे कि सही है, यानी कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों ही सही हैं जो भी कथन कहे जा रहे हैं। ये आप क्वेश्चन देख लो 45 नंबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट कह रहे कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनना है, यहाँ पर गलत बताना है, ये आपका ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है एंड डी है, यहाँ पर कौन सा गलत है वो बताना, तो डी कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं। ओके ये रहा हमारा क्वेश्चन 46 नंबर। नेक्स्ट कह रहे कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुने, ऑप्शन ए बी सी एंड डी, अब बताना है गलत विकल्प इसमें से क्या है, तो सी ऑप्शन कह रहे कि वर्ष 2011 में हुई 13वीं जनगणना का नारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य था, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 2011 में हुई 15वीं जनगणना का नारा हमारा हमारी जनगणना और हम सॉरी 15वीं जनगणना, यहाँ पर तो पहली बात कर लो 15वीं जनगणना का नारा हमारी जनगणना और हमारा भविष्य था, ठीक है। चलो तो ये रहा आपका क्वेश्चन 47 नंबर, आगे बढ़ते हैं। ये रहा 48 नंबर, नवीनतम कृषि डेटा 2023 के संबंध में गलत विकल्प बताने हैं, ये आपका ए बी सी एंड डी, मैंने डेटा के बारे में बताया था कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूरी पीडीएफ अपलोड है, अच्छा तो बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद, उसको आप देख लो। 47 में बी ऑप्शन आपका गलत है, भारत में मक्के के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर ये कह रहे हैं, तो मक्के के उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पर बता रहे हैं, ठीक है, और मैंने उस पर पढ़ा भी है तो देख लेना। ये रहा आपका क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट, नवीनतम अद्यतन खनिज डेटा के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी गलत विकल्प ही बताना 49 नंबर में, तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, ठीक है। भारत में शीशे के भंडार में ओडिशा प्रथम स्थान पर है, तो ये गलत है, भारत में बॉक्साइट के भंडार में ओडिशा प्रथम स्थान पर है। ओके ये रहा हमारा क्वेश्चन, हम बढ़ते हैं आगे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत विकल्प को चुनना है, ऑप्शन ए बी सी एंड डी, चार ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे कौन सा गलत सुमेलित है, तो 50 का बी ऑप्शन कह रहे कि गलत सुमेलित है, ठीक है। ये रहा आपका 51 नंबर, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने, यहाँ पर सही विकल्प बताना, ये 243A 243B, ये पंचायत और इन चीज़ों से है, और ये ऐसे ही इस तरीके से क्वेश्चन खूब बनते हैं, तो 51 में ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही सुमेलित है, ये आप देख लो 50 नंबर क्वेश्चन और ये 51 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कह रहे कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, ठीक है, ये गलत विकल्प हैं आपके, यहाँ पर मिलान करना है, ये आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी एंड डी, अब यहाँ पर हमें बताना कि इसमें से गलत कौन सा सुमेलित है, तो डी कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी नहीं गलत सुमेलित है, तो इस क्वेश्चन को भी आप इसमें देख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि 53 नंबर, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में गलत विकल्प की बात कर रहे हैं, ये आपके ए बी सी एंड डी चार ऑप्शन दिए गए हैं 53 नंबर क्वेश्चन में, तो यहाँ पर गलत जो भी सुमेलित है उसको बताना है। 53 में कह रहे हैं कि फिलहाल इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी सही सुमेलित हैं, इनमें से कोई भी गलत सुमेलित नहीं, और गलत ही पूछा था, आगे बढ़ते हैं, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चुनना है, ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में से बताना है कि गलत कौन सा है, तो 54 में बी ऑप्शन भविष्य की संभावनाएं सूचकांक 2024 में 34वीं रैंक, तो ये कह रहे हैं कि भविष्य की संभावनाएं सूचकांक 2024 में न्यूज़वीक वेंटेज और होराइजन ग्रुप द्वारा प्रकाशित 35वीं रैंक, ठीक है, 34वीं नहीं, यहाँ पर 35वीं रैंक हो जाएगी,
तो इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारा क्वेश्चन 54 नंबर, इसको भी देखते चलो। 55 में कह रहे हैं कि फिर से कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प को चुनना है, ठीक है। गलत विकल्प की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पर गलत कह रहे हैं कि कानून का नियम सूचकांक ऑक्सफैम, तो कानून का नियम सूचकांक विश्व न्याय परियोजना, ठीक है, वो प्रकाशित करती है रिपोर्ट को, ना कि ऑक्सफैम, इसलिए गलत है। ये आप क्वेश्चन देख लो, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सर्वाधिक व्यापक रूप से उगाए जाने वाले C4 पौधे का चयन करें, ठीक है, C4 पौधे का चयन करें। ये आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है यहाँ पर नाम, ठीक है, 56 में नाम। तो ऑप्शन ए कह रहे हैं कि मक्का, गन्ना, ज्वार, अनानास, सोयाबीन, मक्का आदि जैसे पौधे सभी C4 पौधों की श्रेणी में आते हैं। मक्का सर्वाधिक व्यापक रूप से उगाया जाने वाला C4 पौधा है। ये रहा हमारा क्वेश्चन, और हमें देखना है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, यहाँ पर आंसर की बात करेंगे तो ये आपको गलत विकल्प जब बताना है तो गलत विकल्प आपको ऑप्शन ए सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2017 कह रहे हैं, तो ये आपकी 2014 में, ठीक है, ये आपका गलत है 2014 में। आगे बढ़ेंगे, ये रहा हमारा 57 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन ए बी सी एंड डी। अब यहाँ पर गलत विकल्प की बात करें तो ऑप्शन ए कह रहे गलत है, वे प्राकृतिक अवशोषक जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को अवशोषित करते हैं उन्हें कार्बन सिंक कहते हैं। तो कह रहे हैं वे प्राकृतिक अवशोषक जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करते हैं उन्हें कार्बन सिंक कहते हैं। महासागर, मृदा और जंगल विश्व के सबसे बड़े कार्बन सिंक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगी बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कार्बन डाइऑक्साइड वो भी गैस है ना। तो ये रहा हमारा 58 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहे हैं कि 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने, ठीक है, इसमें सही विकल्प चुनना है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड, ये बता रहे हैं मुख्यालय इसका, तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर 29 अप्रैल 1961 में मोर्गिस स्विट्जरलैंड में है, ना कि ग्लैंड में, ठीक है। तो ये देख लो आप, ये रहा हमारा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने, 60 नंबर में, ये आपके दिवस दिए गए आंसर की बात करें सही विकल्प की, तो बी ऑप्शन सही है, विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर, ठीक है, ये देख लो। बाकी क्यों गलत है आप खुद ही देख लेना। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुने, ठीक है, ये आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, हमें यहाँ पर गलत विकल्प बताना है। ऑप्शन सी कह रहे हैं कार्बन क्रेडिट की अवधारणा 1999 में आयोजित क्योटो प्रोटोकॉल में प्रस्तुत की गई थी, तो कार्बन क्रेडिट की अवधारणा 1997 में, ठीक है, 1997 हो जाएगा, 99 नहीं होगा, 97 में आयोजित कैनकुन सम्मेलन COP16 में की गई थी, सॉरी क्योटो प्रोटोकॉल में ही पेश की गई थी लेकिन 1997 में की गई थी। ये रहा हमारा 61 नंबर क्वेश्चन, हम आप बढ़ते हैं आगे। कह रहे हैं 62 में कि गलत विकल्प चुने, यहाँ पर गलत विकल्प की बात कर रहे हैं, ये आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, गलत विकल्प की बात करें तो बी ऑप्शन आपका गलत है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण को वर्ष 1916 में नई दिल्ली में स्थापित किया गया था, तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण को 1916 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थापित किया गया था, इसलिए गलत है, और 62 नंबर में आप इसको भी देख लीजिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ये आपके चार ऑप्शन दिए गए और ये नीचे कोट दिए गए हैं, अब यहाँ पर देखना है। 63 की बात करें तो इसमें से सही उत्तर बताना है, तो डी ऑप्शन सही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एवं फोर्थ, ठीक है। ये रहा हमारा 63 नंबर क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। ये रहा हमारा 64 नंबर क्वेश्चन, अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 के संबंध में गलत विकल्प बताना है, ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड, तो कह रहे नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर बताएं, तो डी ऑप्शन कह रहे हैं इनमें से कि इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है, इनमें से कोई भी गलत नहीं सुमेलित है, सभी सही सुमेलित। इसको देख लीजिए 64 नंबर क्वेश्चन। ये रहा हमारा 65 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-22-23 के संदर्भ में सही विकल्प चुने, ए बी सी एंड डी, अब बताना है यहाँ पर, तो आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अभी फ्रेंड्स क्या करती हूँ, काफ़ी टाइम लंबा हो गया तो थोड़ा सा कुछ पानी वगैरह पी लूँ, फिर मैं इसका फाइनल पार्ट अपलोड कर दूँगी, है ना। अभी इसके कई पार्ट नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट इसको फाइनल में ही कर देंगे, तब तक आप प्रैक्टिस कर लो। वो देखो एक गलती की वजह से वीडियो डिलीट हो गया, वरना आपको अब तक एक मिल गया होता, ये दूसरा हो जाता है।